कर्नाटक के सीएम सिद्धरामय्या की मुसीबत बड़ी। लोकायुक्त पुलिस ने सीएम सिद्धरामय्या को समन जारी किया। मुडा करप्शन केस में बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया। समन पर बोले सीएम सिद्धरामय्या, मैसूर लोकायुक्त का मुडा को लेकर समन मिला है, मैं 6 नवंबर को मैसूर लोकायुक्त के पास जाऊंगा। यूपी विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव, अब 13 की जगह 20 नवंबर को होगी वोटिंग। कई त्योहारों के चलते चुनाव आयोग की बदली तारीख। केरल और पंजाब उपचुनाव की तारीख भी बदली गई। दोनों राज्यों में अब 13 की जगह 20 नवंबर को मतदान। यूपी उपचुनाव की तारीख में बदलाव पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे, ये बीजेपी की पुरानी चाल। यूपी उपचुनाव की तारीख बदलने पर बोली सपा सांसद डिंपल यादव, हम अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए हलचल मची हुई है। चुनाव आयोग पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, कहा चुनाव मैनेज नहीं हो पा रहा इसलिए तारीख बढ़ा दी। महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाया गया। चुनाव आयोग ने ट्रांसफर का दिया आदेश, कुछ दिन पहले ही विपक्ष ने की थी शिकायत। महाराष्ट्र डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले पर बोले उद्धव ठाकरे, चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत करते हैं। शरद पवार ने फैसले का स्वागत किया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने चुनाव आयोग को लिखा खत, डीजीपी रश्मि शुक्ला को किसी अन्य पद पर नियुक्त न करने की मांग की। पीएम मोदी ने झारखंड के चाईबासा में जनसभा को किया संबोधित। विरोधियों पर जमकर साधा निशाना, कहा जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी आदिवासियों का अपमान करती है। चाईबासा में बोले पीएम मोदी, चंपई सोरेन का भी इन लोगों ने किया अपमान। पीएम ने चंपई के अपमान को कोल्हान का अपमान बताया। जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने पूछा सीता सोरेन के अपमान पर हेमंत सोरेन खामोश क्यों, कहा महिलाओं का अपमान इनकी पुरानी आदत। पीएम मोदी ने झारखंड के गढ़वा में भी चुनावी रैली को संबोधित किया, बोले झारखंड में डबल इंजन सरकार बनना तय। पीएम मोदी बोले आने वाले 25 साल देश के लिए महत्वपूर्ण, झारखंड की जनता का आशीर्वाद जरूरी। पीएम ने विपक्ष पर भी साधा निशाना, बोले कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी ने झूठे वादे किए, इन्होंने जनता को सिर्फ धोखा दिया। रांची में एमपी सीएम मोहन यादव ने किया चुनाव प्रचार, कहा झारखंड को नंबर एक राज्य बनाने के लिए बीजेपी जैसे ईमानदार नेतृत्व की जरूरत। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खूंटी में हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला, कहा भगवान बिरसा मुंडा की धरती से राज्य सरकार के खिलाफ एक नई क्रांति पैदा हो रही है। गारंटी के नाम पर लोगों को गुमराह करना कांग्रेस की आदत, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का अटैक। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी स्वीकृति शर्मा ने नामांकन वापस लिया, अंधेरी से निर्दलीय भरा था पर्चा। वायनाड में चुनाव प्रचार में जुटी प्रियंका गांधी, पुलपल्ली में किया रोड शो। केरल में अब 13 की जगह 20 नवंबर को वोटिंग। बीजेपी पर बरसी प्रियंका गांधी, कहा इनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता में बने रहना। जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र शुरू, अब्दुल रहीम राठौर चुने गए स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल ने किया ऐलान। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के पहले ही दिन हंगामा, पीडीपी के वहीदुर रहमान ने 370 को हटाने के खिलाफ पेश किया प्रस्ताव। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का बयान, कहा 370 इतिहास बन चुका है, इसे भूलकर विकास के लिए करना चाहिए काम। सुल्तानगंज का नाम अजगैबीनाथ धाम करने की तैयारी, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले केंद्र और रेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजेंगे। दिल्ली के शेखसराय इलाके में छठ घाट को लेकर माहौल और गरमाया, दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ सीआरपीएफ भी तैनात। छठ को लेकर यूपी डीजीपी ने दिए निर्देश, घाटों पर हो कड़ी सुरक्षा, सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी तैनात रहे। छठ पर उधंग करने वालों पर भी कसेगा शिकंजा, यूपी डीजीपी के एंटी रोमियो एस्कॉर्ट को सक्रिय रखने के निर्देश। ब्रैम्पटन हमले पर भारतीय उच्चायोग ने जताई नाराजगी, कहा मंदिर में उच्चायोग का शिविर चल रहा था, भारत विरोधी ताकतों ने की हिंसा। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर पीएम ट्रूडो का बयान, कहा कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमला अस्वीकार, ट्रूडो की गलत नीतियों की वजह से यह सब हो रहा है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले अकाल तख्त मामले में दखल दे। दिल्ली में आतिशबाजी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, प्रतिबंध के बाद भी पटाखे कैसे जलाए गए, कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। कोर्ट ने पूछा पटाखे बैन के आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। यूपी गाजियाबाद में रोडरेज का मामला आया सामने, दो युवकों की गुंडों ने बेरहमी से की पिटाई। मामूली विवाद में आरोपियों ने हवाई फायरिंग की, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। गुरुग्राम में कार पार्किंग को लेकर हुआ विवाद, गाड़ी न हटने पर गौरक्षक ने चलाई गोली। बजरंग दल का सदस्य है आरोपी, पुलिस ने किया अरेस्ट, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। करीब 3 घंटे तक लोगों ने एसओजी टीम को बंधक बनाया, हथियार छीनने की भी कोशिश की, 12 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला।